कुछ समय पहले हमने आपके बीच डीडी नेशनल के बारे में बात की थी। डीडी नेशनल ने भी अपना लोगो काफी पहले के मुकाबले अच्छा कर लिया है, ग्राफिक्स भी काफी बेहतर कर लिए हैं, और जो पहले लोगो लाल कलर का आया करता था, अभी जो पिछले 15 अगस्त को हमारे लिए अपडेट हुआ था, तो इस 15 अगस्त में जो लोगो है वो काफी चेंज हो गया है। तो प्रसार भारती ने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं उस लोगो के मुकाबले नया लोगो हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब देखते देखते प्रसार भारती ने क्या किया है, एक और अपने चैनल को रिब्रांड कर दिया है जिसका नाम है डीडी इंडिया। जी हाँ, डीडी इंडिया इनका एक इंग्लिश का न्यूज चैनल आता है, और पहले सीरियल चैनल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंग्लिश न्यूज चैनल में, जो कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही एरियाज को कवर करता है। तो ये जो इंग्लिश न्यूज चैनल है ना आपका, वो कुछ इस तरह के लोगों के साथ अभी देखने को आपको मिल रहा था, लेकिन अब जो है प्रसार भारती ने इसको भी एक नया रूप, एक नया रंग और एक नया लोगो दे दिया है, ग्राफिक्स में भी काफी चेंज कर दिया है। तो वो कैसा आपको लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ही, लेकिन इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा कि जो ग्राफिक्स है वो कैसे हो गई है और चैनल का जो लोगो है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है। चैनल पहली बार आए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में डीडी नेशनल को तो बदला ही गया, बल्कि साथ ही में उन्होंने अपने इंग्लिश न्यूज चैनल डीडी इंडिया को भी एक नया रूप दे दिया। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का नया लोगो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। डीडी इंडिया के नॉर्मल चैनल है उसका भी लोगो कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो डीडी इंडिया एचडी का लोगो है वो भी आपको साथ में आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने दो मॉडिफिकेशंस की है, या तीन मॉडिफिकेशंस आप कह सकते हो। सबसे पहली मॉडिफिकेशन तो यही है कि लोगो जो है वो आपके लिए बदल दिया गया है। पहले जो था आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ लोगो देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है लोगो को ट्रांसपेरेंसी दे दी गई है, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया है, और लोगो पहले से थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे लगा है। दूसरी बात है, पहले जो था डीडी इंडिया एचडी का आगे एचडी का सिंबल आया करता था, लेकिन वो अब एचडी सिंबल हटा दिया गया है, वो नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस उन्होंने की है। पिक्चर क्वालिटी बेशक एचडी है, लेकिन सिंबल जो एचडी लिखा हुआ आता है वो नहीं आ रहा। तीसरी बात, उन्होंने ग्राफिक्स में भी अपने चेंजेस कर दिए है, जो कि पहले के मुकाबले थोड़े से बेहतर हो गए। और चौथी चेंजेस उन्होंने ये भी की है कि आपका जो लोगो था वो पहले राइट साइड में आया करता था टीवी स्क्रीन के, लेकिन अब जो है उस लोगो को लेफ्ट साइड में कर दिया गया, यानी कि लोगो की जो पोजिशन है वो आपके लिए चेंज कर दी गई है डीडी इंडिया की ओर से। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।